स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन कन्या विद्यालय हमीरपुर में किया गया, जिसमें बच्चों के भविष्य से लेकर स्कूल प्रबंधन के बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर स्कूल प्रिंसिपल नीना ठाकुर भी मौजूद रही। प्रिंसिपल नीना ठाकुर ने बताया कि एसएमसी बैठक के दौरान स्कूल के लंबित पड़े कामों पर चर्चा की गई, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए भी प्रबंध के लिए बैठक में एक रणनीति तैयार की गई। उन्होंने बताया कि स्कूल के कामों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी बैठक में चर्चा कर आगामी रूपरेखा तैयार की गई। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जो मीटिंग्स हैं वो मंथली मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, और विद्यालय की जितनी भी रिपोर्ट है वो और विद्यालय का जितना भी कार्यक्रम है या जितने भी प्रोग्राम आयोजन किए जाते हैं उन सब में एसएमसी का बहुत ही एक अहम योगदान रहता है, और एक काम की जितनी भी कार्यप्रणाली है उसकी ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना, और उसमें भी इनकी हमें बहुत ही सहयोग की ज़रूरत होती है। और आज रूटीन में बैठक थी ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वालों की, जिसमें बच्चों के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं प्लस वन और प्लस टू वालों के, और टेंथ तक जो बच्चे छुट्टियां मना के आए हैं वो क्या वह घर में पढ़ के भी आए हैं और कितना करके आए हैं उसको लेके भी बातचीत हुई। और इसके अलावा बारिश में थोड़ा वॉलीबॉल जो है स्कूल की उसमें रिपेयर वर्क वगैरह की ज़रूरत थी, तो वो सिविल वर्क भी उनको दिखाया। और इसके अलावा एक स्कूल का भवन यहाँ निर्माण चल रहा है, साइंस भवन का निर्माण चल रहा है, तो उसको लेके हमारा जो मेन एंट्रेंस गेट है वो बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा सेफ नहीं हम कह सकते हैं एग्जिट, क्योंकि ये बाज़ार की तरफ को है और मेन मार्केट में है, तो थोड़ा सेफ्टी को लेके भी एक चिंता है। और उसके लिए एक बाहर की जो दूसरी बैक साइड वाली बाउंड्री वॉल है वहाँ पे गेट एक बच्चों के लिए लगाया जाए, ऐसा हम सभी का मानना है और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का भी ऐसा मानना है। तो इन सब बातों के लिए क्योंकि हमें कमेटी वालों की ज़रूरत रहती है तो उसको लेके ही सारा।